हेलो मेरे दोस्तों, तो आप लोग सभी मस्त होंगे उम्मीद है। क्लास टेंथ ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट टेन वीडियो होने वाला है, एक्सरसाइज 6.3। ये क्वेश्चन नंबर 14 से आगे देखेंगे, ठीक है चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझना, दिए गए चित्र में कौन पी की वैल्यू निकालना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले समझो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। जब समरूप नहीं है तो त्रिभुज का नाम किसी तरह से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि ये जो भुजा है ना, इस भुजा का दुगना ये भुजा, इस भुजा का दुगना ये भुजा और इस भुजा का दुगना ये भुजा, यानी कि दिख रहा है कि ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक है, यानी प्रॉब्लम। अब जब समानुपातिक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें दो कोण दिया हुआ था, कितना कोण दिया हुआ है, दो कोण दिया हुआ है। तो किसी भी त्रिभुज की अगर दो कोण दिया हुआ रहे तो उसका तीसरा कोण निकालना बहुत क्या होता है, आसान होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे चलते हैं। ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जब समरूप नहीं कर रहे तो त्रिभुज का नाम किसी तरह से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समरूप करते समय त्रिभुज का नाम थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें से देखो, सबसे पहले ए बी भुजा कितना दिया हुआ है, सबकी भुजा लिख देते हैं 3.8 सेंटीमीटर। चलो बी सी इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू भुजा क्या है, या कह सकते हैं पी आर की भुजा 6√3 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और आर क्यू का जो वैल्यू है 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये जो है तुम्हारा तीनों भुजा, फर्स्ट का तीनों भुजा, सेकेंड का, सबका मान हम मैंने क्या किया है, रेडी किया, ठीक है, जो दिया हुआ तो उसको पहले लिख दिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये दो कोण दिया हुआ है, इसका थर्ड कोण निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखो एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी का मान निकालना, क्या करना है, एंगल सी का मान निकालना, एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री मान लो, एक्स डिग्री मान लो। अब चूंकि देखो ध्यान से क्या करते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, जो कि मैंने पहले बहुत अच्छे ढंग से बताया। अब जानते हैं, यहाँ लिख देना कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। डिग्री लिखो या नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अंत में लिखना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे एक्स का मान निकलेगा तो डिग्री में बहुत जरूरी लिखना है ना। अब देखो क्या करना है, टोटल जोड़ेंगे 140 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालना है तो 180 माइनस 140 डिग्री, तो बता, इसलिए एक्स की जो वैल्यू आएगा 40 डिग्री आएगा, कितना डिग्री आएगा, 40 डिग्री आएगा। इससे पता चल रहा है कि एंगल सी का हम लोग मान माने थे एक्स, एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब ध्यान से समझना, जब 40 डिग्री आ गया तो अब जो है किसी दो, अगर दोनों त्रिभुज अगर समरूप कर दें, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे इस भुजा का दुगना ये है, इस भुजा का दुगना ये है और इस भुजा का दुगना ये है, इसका मतलब भुजा समानुपातिक यानी त्रिभुज समरूप होगा। तो जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक हो तो संगत कोण बराबर होती है, तो तीनों कोण आपस में ये क्या हुआ है, मान अवेलेबल हो गया। तो ये किसी भी कोण का एक मान हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों कोण भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोण पी निकालना, इसलिए कोण पी की वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि ये तीनों कोण रेडी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं, लेकिन समरूप होगा कब, जब भुजा समानुपातिक होगा। तो भुजा देखो, अगर इसमें हम ट्रायंगल देखो, दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर में क्या है कि अगर इसका ए बी भुजा इसका दुगना हो रहा है, आर क्यू का दुगना हो रहा है, ये बताओ 3.8 और 7.6 दो बार में कटेगा, यानी 1/2 कितना आया, 2 आया, ठीक है। और दूसरा जो भुजा है, अगर इसमें बी सी लेते हैं तो इसका क्या होगा, पी क्यू होगा, तो बताओ BC की वैल्यू कितना है, 6, और PQ की वैल्यू कितना है, 12, 6 × 12, 1/2, 1/2 क्या हो गया, 2 हो गया। और थर्ड जो है भुजा, AC भुजा अगर इसमें लेते हैं तो ये होगा RQ, क्या होगा,
आर क्यू होगा, अगर थर्ड वो जा लेते हैं तो आरपी होगा, सॉरी क्या होगा आरपी बराबर में होगा थ्री रूट थ्री बाई सिक्स रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री और तीन दूनी कितना होगा छः, यानी वन बाई टू दिख रहा है। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप करते हैं तो ध्यान से देखना ए बी सी ये उसके बाद ये यानी 3.8 के बाद 6, तो इसका दुगना ये होता है और फिर इसका दुगना ये होता है, इसका मतलब आर क्यू पी में चलना पड़ेगा, ट्राइंगल आर क्यू पी। अब दोनों क्या हो गया समरूप हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं एस 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 समरूपता से, समरूपता से क्यों ऐसे समरूपता होगा क्योंकि दोनों भुजा क्या दिखा रहे क्या दिखा दिए समानुपातिक दिखा दिया, यानी तीनों भुजा ही समानुपातिक दिखा दिए, इसीलिए कहलाया कसौटी एस एस एस। अब जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत कोण क्या होती है बराबर होती है, तो चूंकि देखो अगर इसमें कोण किसका मान निकालना है, देखो एंगल पी निकालना है, तो एंगल पी जो होगा कोण क्या होगा सी के बराबर होगा, हम बताए थे अंत वाला अंत के साथ, बीच वाला बीच के साथ और शुरू वाला शुरू के साथ, कब ऐसा होगा जब दोनों ट्राइंगल समरूप होगा, ठीक है। तो इसमें एंगल पी निकालना है तो पी इक्वल टू कितना आएगा, तो सी की वैल्यू क्या माने थे एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 40, यानी एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री आ गया, यही हम लोग का क्या निकल गया आंसर, लिख सकते हैं इसलिए एंगल पी इक्वल टू फोर्टी डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी क्रमशः पी और क्यू बिंदुएं ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो दिखाएं बी सी इक्वल टू 3 पी क्यू होगा। अच्छा सबसे पहले ट्राइंगल क्या है ए बी सी, सबसे पहले ट्राइंगल क्या बनाते हैं ए बी सी, चलो ए बी सी बना दिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी। भुजाएं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू दो बिंदु है, मान लेते हैं इस पे पी क्यू है, पी है और इस पे क्या है क्यू है ना, इस प्रकार है कि पी ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इसको मिलाना पड़ेगा, जानता भी होगा, और ए पी की वैल्यू जो है 2 सेंटीमीटर, पी भी 4 सेंटीमीटर, ए क्यू की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर और क्यू सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू जो है 3 पी क्यू, क्या करना है प्रूव करके लाना है, ये जो है हम लोग को क्या करना है प्रूव करके लाना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है 15 ध्यान से समझने का प्रयास करना, जो दिया हुआ पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू बिंदुएं हैं, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो साबित करना है जिस पे हम लोग चलते हैं, यानी प्रूफ करना है, साबित करना है बी सी जो होगा 3 पी क्यू होगा, क्योंकि प्रमाण देखो इसका क्या होगा, सबसे पहले देखो कि अगर भुजा समानुपातिक दिखा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, हो जाएगा थेल्स के विलोम से। चलो क्योंकि ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहाँ से कह सकते हैं कि सब जिसका जिसका वैल्यू था लिख दिए। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं कि ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी, पहले से भी कुछ बनाएगा इसका आइडेंटिटी नहीं, बल्कि ये कौन सा प्रमेय से हो रहा है थेल्स के, देखो ये दोनों आपस में बराबर दिखाते हैं, ठीक है, ये ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। अब चूंकि ए पी की वैल्यू 2 और ये 4, ये 3 और ये 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी ये कितना दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 1/2 बराबर 1/2, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है एक ही अनुपात में क्या है विभाजित है, जब एक ही अनुपात में विभाजित हो तो इसलिए कह सकते हैं कि पी क्यू जो होगा समांतर होगा किसका बी सी का, बी सी का समांतर होगा कैसे होगा, तो थेल्स का
थेल्स के विलोम से, विलोम को ही प्रतिलोम कहते हैं, थेल्स के विलोम से। अब ये दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया, ये दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया। तो हम लोग जो प्रूफ करना उसके अनुसार से चल सकते हैं, क्या करते हैं कि हाफ बटा पूरा, फिर ये हाफ बटा पूरा ले सकते हैं या इधर से भी ले सकते हो कोई भी साइड से। तो यहाँ से क्या करते हैं कि चूंकि ए पी बाई ए बी बराबर होगा पी क्यू बाई बी सी, क्योंकि हाफ बटा पूरा, तो ये हाफ बटा पूरा क्योंकि इसका ये क्या होता है आधा होता है। ए पी की वैल्यू टू और ए बी की वैल्यू, तो पूरा की वैल्यू तो ये चार हो तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू नहीं पता, रहने दो। बी सी की वैल्यू पता नहीं है, रहने देते हैं। अब देखो क्या करते हैं कि ये बताओ द्वितीय छ कितना हो रहा है, वन बाई टू बराबर पी क्यू बाई, सॉरी वन बाई थ्री बराबर पी क्यू बाई बी सी। अब देखो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वन में बी सी से गुना करेंगे तो बी सी, और थ्री से पी क्यू में गुना करेंगे तो थ्री क्या होगा पी क्यू। तो देख रहे हैं बी सी बराबर क्या हो गया, थ्री पी क्यू, ये क्या हो गया प्रूव हो गया, जो कि हम लोग को क्या करना था, यही प्रूव करके लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू दो बिंदु हैं, यदि ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करें कि बी सी इक्वल टू 4 पी क्यू। यानी कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है 16 नंबर दोनों इक्वल है, सिर्फ क्या है थोड़ा सा अगर डिफरेंट है, आकृति भी क्या बनेगा सेम ही बनेगा। देखो ट्राइंगल क्या दिया, ए बी सी जो उसमें दिया था इसमें भी वही है, और ए बी भुजा और ए सी भुजा पर दो बिंदु पी और कौन है क्यू है, और इस प्रकार है कि ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि बी सी इक्वल टू 4 पी क्यू, यानी बी सी इक्वल टू 4 पी क्यू होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों पहले दिखाते हैं कि ये क्या है, एक ही अनुपात में है या नहीं है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में ए पी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पी बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और चूंकि जब ये बराबर हो गया तो ऐसा कर सकते हैं कि ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी। अब देख रहे हैं क्या कि ये जो तुम्हारा 2 था ये 6 है, ये 3 और 9 है, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 क्या दिख रहा है, 1/3 बराबर 1/3, यानी दोनों एक ही अनुपात में है। चूंकि हम लोग कह सकते हैं कि जब ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में P और Q विभाजित करें तो ये दोनों आपस में पैरलर होती है, यानी PQ जो होगा समांतर होगा, PQ समांतर BC, ये इसका आइडेंटिटी थेल्स के विलोम से, विलोम को ही प्रतिलोम कहते हैं। अच्छा ये बताओ जब ये दोनों क्या हो गया पैरलर हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि जब पैरलर होता है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इसमें बड़ी भुजा और छोटी भुजा और बड़ी भुजा बराबर ये छोटी भुजा और बड़ी भुजा कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रूव करना है उसके अनुसार ये भुजा से भी चल सकते हैं, उस भुजा से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें हाफ बटा पूरा लेते हैं तो इसका हाफ कौन होगा पी क्यू और पूरा कौन होगा बी सी, और ये जो होगा ये तुम्हारा क्या होगा थेल्स के थेल्स प्रमेय से, क्या होगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब देखो ए पी की वैल्यू क्या है, तो ए पी की वैल्यू 2 और ए बी यानी टोटल, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये 3 और ये क्या होगा सॉरी ये जो है तुम्हारा पी क्यू की वैल्यू नहीं है और ना ही बी सी की वैल्यू है, 2 चौक 8, 1 में बी सी से गुना करो बी सी, 4 पी क्यू होगा, क्या होगा 4 पी क्यू, तो किसका मान निकल गया, तो कह सकते हैं इसलिए बी सी इक्वल टू जो होगा 4 पी क्यू हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया जो कर प्रूफ करके लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में देखो चित्र एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका कोण सी समकोण है, चलो ठीक है। प्रूफ करना है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा, ए बी सी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई का, ठीक है। यानी ये दोनों बड़ा और ये छोटा दोनों ट्राइंगल क्या करना है समरूप दिखाना है, और ए ई ए डी ए ई और
डी की क्या करनी है, लंबाइयां भी ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो दिया हुआ, पहले लिख देते हैं क्या है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है, यानी समकोण है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध, जब ये सिद्ध होगा तो मान निकल जाएगा, तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा, एबीसी समरूप होगा ट्रायंगल एडीई का। ठीक है, ये समरूप होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रमाण क्या करते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई में, एडीई में क्या करते हैं, देखो कि ये दोनों ट्रायंगल देखना, ए बी सी और ए डी ई, ध्यान से देखो ये कोण और ये कोण 90 है, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल में सी 90 और छोटा वाला ट्रायंगल में ई 90। तो सी का नाम किस तरह से लिखेंगे, तीन अक्षर से दो, ए सी बी, और इस कोण का नाम क्या होगा, ए ई डी, ए ई डी है ना 90 से। ठीक है, 90 से क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि जितना एंगल ए बन रहा है, क्योंकि ए ए ई डी के लिए भी कोण ए और ए बी सी के लिए भी है, यानी कि दोनों जो है ये दोनों के लिए कोण क्या है, एंगल ए बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। और जब दोनों कोण के लिए एक ही कोण हो, यानी दोनों त्रिभुज के लिए एक ही कोण हो और दोनों आपस में इक्वल हो, तो कहलाता है उभयनिष्ठ कोण। क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ कोण, या इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छा से चर्चा किया, उभयनिष्ठ क्या होता है, एंगल ए के बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में है ना कि दो, किसी भी दो त्रिभुज में है ना दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण निश्चित होता है कि बराबर ही होता है, जिसके कारण ये हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल समरूप होगा। अगर हम लोग ए बी सी समरूप दिखा रहे हैं, ट्रायंगल है ना ए बी सी समरूप ट्रायंगल, तो देखो ए बी सी उभयनिष्ठ और 90 को लास्ट में लिख रहा है, तो उभयनिष्ठ और 90 को लास्ट में क्या होगा, ए डी ई होगा, क्या होगा ट्रायंगल ए डी ई। अब जब ये दोनों समरूप हो गया तो लिखेंगे एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। क्यों एंगल समरूपता से होगा, क्योंकि दो कोण आपस में क्या किए बराबर, अगर तीसरा कोण लिखते हैं तो फिर ए ए ए समरूपता से लिखते हैं ना। तो देखो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ होके चला है, ठीक है, यही ना प्रूफ करना था, तो प्रूफ तो हो गया। अब जानते हैं दोस्त समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है, तो संगत भुजा समानुपातिक होती है। तो लिखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती एवं संगत कोण समान होती है। ये नहीं भी लिखते तो डायरेक्ट इतना दूर से भी काम चल सकता था, ठीक है। अब देखो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर, चूंकि ये बताओ कि भुजा अगर जो निकालना है उससे चलना है और जो दिया हुआ उससे चलना है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, तो ये तुम्हारा 12 है, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, तो 3 दो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो ये बताओ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये 12 है ये 5 है, तो ये निश्चित होगा कि कितना सेंटीमीटर होगा, 13 सेंटीमीटर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। चलो निकाल देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ये बताओ ए सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए कि इसमें हम लोग का ए बी का मान निकालना है, किसका मान कि कैसे 13 होगा ये बता रहे हैं। तो बताओ ये जो होगा 90 के सामने कर्ण होती है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में जाएगा। तो बताओ ये 5 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर
144, दोनों को इंक्लूड करेंगे 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। ठीक है, अब देखो जब ये आ गया 13 तो ये 13 में सेंटीमीटर दर्शा दिया हमने। अब इसमें क्या करना है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होती है, ये चर्चा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें भुजा जो है AE और DE निकालना है, AE और DE। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है तो अगर इसमें हम AB लिखते हैं, एक मान निकालना रहना चाहिए, एक मान निकालना है और तीन मान ऐसा होना चाहिए जो अवेलेबल है, तीन मान दिया होना चाहिए AB, तो इसमें क्या चलते हैं AD, AD मान दिया हुआ बराबर। अगर अगला जो है BC लिखते हैं तो इसमें होगा D, और D का मान निकालना भी है, चलो AB की वैल्यू 13 और AD की वैल्यू 3, BC की वैल्यू 12, D की वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा बात है कि D की वैल्यू निकालना है, तिरछा तिरछी गुना कर दो तो 13 D इक्वल टू 12 × 36, इसलिए D बराबर क्या होगा तो 36/13, भाग भी दे सकते हो या इतना ही भी छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए DE का मान जो होगा वो 36/13 आंसर नहीं होगा, तो पॉइंट में होगा तो भाग दे देना 36/13। अब देखो दूसरा क्या है कि AE का मान निकालेंगे, है ना, तो अगर इसमें हम AC लेते हैं, ध्यान से देखो अगर हम इसमें AC लेते हैं तो इसमें AE लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा AE, और AC का तो मान निकालना है, बाकी तो दो भुजा कोई भी ले ले, BC लेंगे तो इसमें D होगा और अगर AB लेंगे तो AD होगा, है ना, तो कोई भी भुजा ले सकते हो। ठीक है, चलो BC लेते हैं, तो BC अगर लिए हम लोग तो इसमें क्या होगा DE होगा, और DE का मान हम लोग निकाल ही दिए हैं, क्या हो गया DE हो गया। अब देखो AC की वैल्यू 5, चलो AE की वैल्यू तो निकालना है और BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू 12 और DE की वैल्यू देखो अभी निकाले 36/13, ये जो है सबसे ऊपर चला जाएगा 5/AE बराबर 12 × 13/36, 12 × 36। अब देखो AE में 13 से गुना करेंगे, 13 AE इक्वल टू 5 × 15, इसलिए AE बराबर 15/13, यानी कि दोनों का मान निकल गया DE और AE की वैल्यू, DE की वैल्यू 36/13 और AE की वैल्यू 15/13, अगर नहीं आ रहा होगा तो पॉइंट में देना, पॉइंट में एक्यूरेट आंसर चलाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए चित्र में AO बाई OC इक्वल टू BO बाई OD बराबर 1/2, अच्छा, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, A से B तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, DC की वैल्यू निकालना है, नहीं पता क्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर मान लो DC की वैल्यू, X की वैल्यू निकालना है, क्योंकि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं लिखते हैं। ठीक है, बताओ OA बाई OC और BO बाई OD इक्वल टू 1/2, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। अब देखो OA और OC, ठीक है, और OB को BO या OD भी कर सकते हो, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा दोनों एक ही अनुपात में 1/2 है, और जब दोनों एक ही अनुपात में होता है तो पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि ये और ये और ये और ये दोनों एक ही अनुपात में हो तो ये और ये दोनों आपस में क्या होता है समांतर होता है, क्या होता है समांतर होता है। ठीक है, तो बताओ ये दोनों जब एक ही अनुपात में हो तो ए बी जो होगा समांतर किसका होगा डी सी का, ए बी जो होगा डी सी का क्या होगा समांतर होगा, DC के समांतर होगा, यानी ये जो होगा ये यानी ये दोनों एक ही अनुपात में होना चाहिए तो, और है भी दिया हुआ है तो ये दोनों क्या होगा समांतर होगा। अब जब समांतर होगा तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को आपस में समरूप कर दो, है ना, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को दोनों को एक ही अनुपात में क्या कर दो
सॉरी दोनों को समरूप कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल एओबी, एओबी और ट्रायंगल डीओसी, डीओसी में, ठीक है। क्योंकि देखो क्या करते हैं, ध्यान से समझना, अगर ये जो कोण होगा जब समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों एकांतर कोण से, क्योंकि जब दोनों समांतर होता है तो ये दोनों एकांतर कोण, ये दोनों एकांतर कोण, और ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एंगल ये जो होगा ए ओ बी जो होगा, एंगल ए ओ ए बी जो होगा बराबर होगा एंगल ओ सी डी का, ओ सी डी के, ठीक है, एकांतर कोण से, एकांतर से, एकांतर कोण से। और ध्यान से देखना, और ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, यानी ओ डी सी जो होगा, ओ डी सी जो होगा, ओ डी सी जो होगा इक्वल होगा ओ बी सी का, ओ बी सी। ये भी कौन सा एंगल से होगा, एकांतर से, एकांतर कोण से। और ये दोनों जो कोण होगा आपस में बराबर हो, इस कोण का नाम ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी, डी ओ सी शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ध्यान से समझना, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोण बराबर हो, दो कोण हो जाता है जो तो समरूप हो जाता है, दो तो तीनों कोण बराबर हो गया तो ये तो समरूप होना ही है। ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी समरूप होगा। ट्रायंगल ध्यान से देखना, ए ओ बी ये कोण जो इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो लिखेंगे सी ओ डी, क्या होगा एंगल सी ओ डी। ये दोनों भी बराबर हो गया तो लिखेंगे ए समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से। अब बताओ जब ये तीनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, तो जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती एवं संगत कोण समान होती है, समान होती है। अब देखो तो क्या करते हैं, हम लोग का वैल्यू निकालना है डीसी का, डीसी के मान निकालने के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कि अगर अगर हम लेते हैं दोनों त्रिभुज, देखो ट्रायंगल किसमें चल रहा है, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए ओ बी समरूप ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी, अगर इसमें हम एओ लेते हैं तो उसमें क्या होगा सी ओ बराबर, अगर इसमें हम ए बी लेते हैं तो उसमें क्या होगा सी डी होगा। और वही मान निकालना था, जो मान निकालना है वो क्या करना है, चलना है, और जो दिया हुआ है जिसका वैल्यू उस पर से चलना है, तो आंसर क्या होगा एक्यूरेट आएगा। एओ बाई ओ सी इक्वल टू वन बाई टू, तो वन बाई टू लिखो, और ए बी की वैल्यू फाइव, सी डी की वैल्यू निकालना, और सी डी की मान कितना माने हम लोग एक्स, बताओ एक्स इक्वल टू पाँच दूनी कितना होगा दस, ए जो एक्स जो है एक्स की वैल्यू क्या डी सी, और डी सी की वैल्यू निकालना था तो लिख सकते हैं डी सी इक्वल टू दस सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए चित्र में, देखो चित्र दिया गया ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ डी, है ना। तो दिखाएं कि कौन ए जो होगा कौन सी के बराबर है, और कौन डी जो है कौन बी का, यानी कौन बी जो है कौन डी का क्या है बराबर है। ध्यान से देखो कौन बी जो है कौन डी का बराबर है, तो देखो ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो जो सबसे पहले दिया हुआ उसको लिखते हैं, ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये दिया गया, ठीक है। साबित करना है यानी दिखाना है, सो दैट एंड प्रूव दैट, कुछ भी कर सकता है। तो प्रूव करना है कि कौन ए जो होगा कौन सी या कौन बी जो है कौन डी का बराबर है, कौन बी जो है कौन डी का क्या है
बराबर है। प्रमाण देखो, ये हम लोग को प्रूफ करके क्या करना है, दिखाना है। सबसे पहले ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा कर सकते हैं ओ ए बाई ओ सी और ओ डी बाई ओ बी। क्या देख रहे हैं कि ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी, ये दोनों एक ही अनुपात में, और ओ डी बाई ओ बी, ये दोनों एक ही अनुपात में। तो जानते हैं कि जब एक ही अनुपात में हो, दो ट्रायंगल का भुजा एक ही अनुपात में हो, तो वह क्या होता है, उसके संगत कोण समान होती है। संगत कोण क्या होती है, समान होती है। इस तरह से भी कह सकते हैं, या जो जब ये दोनों एक ही अनुपात में है, तो ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्योंकि क्या लिखेंगे, कोण ए ओ डी, या डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकता था यहीं से, लेकिन अगला स्टेप से क्या करेंगे, ये कोण चल के क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप दिखा के फिर उसके कोण संगत कोण क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। वैसे भी चल सकते हो, और वैसे ही चलेंगे सबसे बेटर रहेगा। तो कोण ए ओ डी जो होगा, एंगल सी ओ डी का बराबर हो गया, सी ओ डी का क्या हो गया, बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जब ये देखो इक्वल हो गया, तो क्या लिखेंगे कि इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी जो होगा समरूप होगा ट्रायंगल सी ओ डी का, किसका होगा, सी ओ डी का। ट्रायंगल सी ओ डी जो हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। देखो दोनों जब भुजा समानुपातिक है, तो ये भुजा समानुपातिक, ये भुजा, तो अगर ए भुजा लिए पहले ए ओ ओ डी, तो इसके बाद पहले कौन चलना पड़ेगा, सी ओ डी, यानी ये भुजा दोनों एक साथ होना चाहिए, ए ओ बाई ओ सी सेम मिलना चाहिए, ठीक है। अगर इधर से लेते हैं तो दोनों मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों भुज समरूप त्रिभुज हो गया, इसका आइडेंटिटी लिख लेंगे, एस 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 ए एस समरूपता से, क्योंकि दो भुजा समानुपातिक और उसके अंतर्गत का कोण इक्वल हो गया, अतः दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, समरूप हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती एवं संगत कोण बराबर होती है या समान होती है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, चूंकि तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक और संगत कोण, तो संगत कोण बराबर दिखाना है, तो कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर होगा, शुरू वाला शुरू के बराबर होता है, पहले से ही मैंने बताया। और दूसरा जो है कोण बी जो होगा कोण डी का इक्वल होगा, कोण बी जो होगा कोण डी अंतिम वाला अंतिम कोण के बराबर हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। तो एनी प्रॉब्लम है ना, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ट्रायंगल्स का पूरा वीडियो देखने से क्या होता है कि कहीं भी कोई कंसेप्ट नहीं छूटता है, एक एक करके कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। मैंने इसका क्या करता है, त्रिभुज का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अनेक सारे प्रॉब्लम्स को, अन्य सारे समस्याओं को लेके आते हैं, ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो, दूर हो। अगर नहीं देखेगा तो क्या हो, तुम्हारा ही प्रॉब्लम रहेगा, डॉट रहेगा। तो अगर डॉट को अगर क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो प्रत्येक वीडियो क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, एकदम दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेट होके क्या करना है, देख रहा है, ठीक है। थैंक यू।